फ्रेश चिलीज मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। मैं इनसे अचार और काफ़ी सारी तरह तरह की सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस बनाने की बाज़ार से भी ज़्यादा आसान रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लें और ये आप काफ़ी सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुज़िन फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने लाल वाली मिर्च ली है। देखिए एकदम फ्रेश है और एकदम मोटी मोटी सी मिर्च है। और इसी तरह से यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं और आप देख सकते हैं कि हल्के रंग वाली हैं, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। और दोनों को मैंने 250-250 ग्राम लिया है और इनको मैंने अच्छे से पानी में डाल के थोड़ी देर वॉश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक किचन टॉवल लेंगे हम और इनको इस तरह से इसको फैला देंगे। इनको हम थोड़ा सा पोंछ लेंगे इस तरह से, तो बहुत प्रेशर नहीं डालिएगा नहीं तो जो चिली है वो क्रश हो जाएगी। और बस इसको आप 10 मिनट पंखे के नीचे रख दें और इनको सुखा लें। मिर्ची अब बहुत अच्छे से सूख चुकी है। हम क्या करेंगे, इसके जो डंठल हैं वो इस तरह से अलग कर देंगे और इसको मोटा मोटा काट लेंगे। तो बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, एनीवे हमें इसको बाद में पीसना है। तो बस इसके डंठल अलग करते जाएं और इस तरह से इसको कट कर लें। ये देखिए मैंने सारी लाल मिर्च तैयार कर ली है और अब हम ये हरी मिर्च लेंगे। ये भी अच्छे से सूख चुकी हैं, इनके भी हम डंठल अलग कर देंगे और इस तरह से इनको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी हरी मिर्च भी तैयार है और आइए अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। पहले हम बना रहे हैं रेड चिली सॉस, तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, करीब 2 टेबलस्पून तेल का यूज़ कर रही हूँ मैं। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको कि मैंने स्लाइस कर लिया है, और करीब 20 से 21 गार्लिक के क्लोव्स। अब हम इनको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो यहाँ अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इस रेसिपी में गार्लिक छोड़ सकते हैं, आप सादा चिली सॉस भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बहुत हल्का सा ही सौते किया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई मिर्च। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इनको थोड़ी देर तक इसी तरह से ऑयल में भून लेंगे। मिर्ची को मैंने करीब 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो अभी मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, इसको भी मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। हम इसको मिला देंगे। अब हमें मिर्ची को गलाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। मिर्चियों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इनको कई बार चला दिया था। और ये देखिए इनका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है और आप इनको दबा के देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह की मिर्च हमें चाहिए थी। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के शक्कर। इसमें शक्कर इससे ज़्यादा नहीं डलेगी क्योंकि ये वाली जो मिर्च होती है, मोटी वाली लाल मिर्च, ये हल्की सी स्वीट होती है। इसको भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पानी है अच्छे से सूख जाना चाहिए। अगर पानी मिर्च में रह जाएगा तो सॉस ख़राब हो जाएगी क्योंकि हम इसमें कोई बाहर का प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे हैं, तो इस मिर्ची में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। हम इसको अलग रख देंगे और अब हम अपनी हरी वाली मिर्च की सॉस के लिए मिर्चियाँ पकाते हैं। हरी मिर्चियों को पकाने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। हम वैसे ही पैन में तेल डालेंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन को कुक करेंगे, फिर हम मिर्ची डाल के उसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर उसमें पानी डाल के ढक के उसको पूरी तरह पकने तक हम उसको कुक होने देंगे और बाद में फिर हम इसको शक्कर मिला के ठंडा होने देंगे, जैसा कि हमने लाल मिर्च के साथ किया था। बिल्कुल वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। लाल मिर्ची हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई थी और मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप विनेगर। तो ये वाइट विनेगर का यूज़ कर रही हूँ मैं और अब हमें इसको एकदम बारीक पीसना है। तो ध्यान रखिएगा मिर्चियों को एकदम ठंडा होना चाहिए तभी आप इसको पीसें, नहीं तो ये ठीक से नहीं पीसेंगी। मिर्चियों को मैंने पीस लिया है और मैंने इसको 2 मिनट छोड़ दिया था। अब मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ, तो आप एकदम से ढक्कन ना खोलें नहीं तो जो मिर्ची की धस है वो बहुत तेज़ लग जाएगी आपको। इस टाइम आप इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो ये देखिए एकदम इसको इस तरह से बारीक पीसना है। तो अगर ये इतनी बारीक नहीं पिस पा रही है आपसे तो फिर आपको इसको छानना पड़ेगा, पर मेरे मिक्सी के जार में बहुत अच्छे से पिस चुकी है तो मैं इसको छानूंगी नहीं और इसको हम एक बॉटल में स्टोर करेंगे। पर उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो अगर इसमें आपको कुछ भी कम लग रहा हो, अगर आपको इसमें नमक कम लग रहा हो या फिर शक्कर कम लग रही हो या थोड़ा सा खट्टा और करना चाहते हैं आप, तो इस टाइम पर आप इसमें ये तीनों चीज़ें एडजस्ट कर लें। यहाँ पर रेड चिली सॉस में मुझे नमक भी कम लग रहा है और थोड़ा विनेगर भी, तो मैं इसमें 1 टीस्पून
भर के नमक और डाल रही हूँ और इसमें करीब 2 टेबलस्पून विनेगर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए विनेगर डालते ही हमारी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, तो हमें इसमें कुछ भी कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। और बस इसी तरह से मैं ग्रीन चिलीज़ भी पीस के उसका सॉस तैयार कर लूँगी। आपने देखा इनको बनाना कितना आसान है और आप इनको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो ट्राई करिएगा एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।